और यहाँ से व्यू भी बड़ा शानदार है। तो हम हैं यहाँ सियेना और हम जा रहे हैं कमारी बीच। It has a black sand. I've never been to a beach like this before, so I'm excited. तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं कमारी बीच, और कमारी बीच की खासियत है इसकी ब्लैक सैंड, जो वोल्केनो इरप्शन के बाद जो ब्लैक सैंड बची होती है ना, जिससे जो लावा के बाद जो ब्लैक सैंड बचता है रेसिड्यू, वो यहाँ पे सैंड है वो पूरी ब्लैक है। तो ये कमारी बीच की एक खासियत है। दिखाते हैं आपको, पूरी व्लॉग बनाएंगे, बड़ी मस्त मज़ेदार व्लॉग बनने वाली है। और बाय द वे गाड़ी हमने रेंट पे ली है, तो गाड़ी का करीबन हमें 40 यूरो पर दिन का है रेंट का खर्चा। तो अगर आपको लेनी है तो ये प्राइस है उसका। तो गाड़ी हो तो आप पूरा सांतोरिनी 2 या 3 दिन में ख़त्म कर सकते हो पूरा। तो बस अब चलते हैं, मिलता भी थक जाएगी कैमरा पकड़ पकड़ के। लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका अभी के लिए मतलब इस दुनिया में। तो जा रहे हैं हम कमारी बीच अब, और बस 500 मीटर रह गए, और ये हमारे सियेना रिजॉर्ट से जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो हमारा विला है, वहाँ से व्हाट वाज द डिस्टेंस मिल रहा अराउंड 9 किलोमीटर था। तो गाड़ी से when हम the roads are crowded, it reroutes our road yeah. to 9.4, but when yeah. the streets are free, then 7.8 kilometers. Yeah, so अभी इस वक्त पे हमने चूज़ किया तो 7.8 किलोमीटर्स था, तो हम 10-15 मिनट में आराम से पहुंच गए। और ये व्यू देखो यार, ये जो ब्लैक सैंड और ये जो नीला पानी है, ऐसा कंट्रास्ट बना रहा है यार कि बहुत ही अमेजिंग व्यू है। और बस यानी कि आना तो बनता है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि कमारी बीच आप ज़रूर आएँ। बहुत से आइलैंड्स हैं यार आसपास, जैसे मैंने बताया साइक्लेड्स वो पूरा ग्रुप है, तो जो मैं आपको बता दूँगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं, पर ये एक अट्रैक्शन था जो जहाँ हमें आना था। तो ये देखो जो ब्लैक सैंड है, ये पूरा बीच ऐसे ब्लैक सैंड से बना है। तो जैसा मैंने बताया कि ये वोल्केनिक इरप्शन था, तो जो पूरा सांतोरिनी जो आइलैंड है ना, और पूरे जो आइलैंड्स हैं वो वोल्केनिक इरप्शन से ही बने हैं। और ये वोल्केनिक इरप्शन कुछ 3.5 से 4 हज़ार साल पहले हुआ था, जो उस वजह से ये आइलैंड्स बने। तो ये जो सारे आइलैंड्स हैं वो एक तरह से एजेस हैं ये सारे जो वोल्केनो था उसका। We let you know. अब हम बैठे हैं बीच के पास, आराम से थोड़ा ड्रिंक्स विंक्स पियेंगे। तो ड्रिंक्स के मैं आपको बता देता हूँ, ये कमारी बीच पे जो है कुछ इतना कुछ मतलब महंगा नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ऑरेंज जूस 4.5, फिर फ्रेश जूसेस, मिल्क शेक 7.5, बेवरेजेस। तो हम तो यहाँ देखेंगे बियर्स, और यहाँ से व्यू भी बड़ा शानदार है। यानी कि आप कुछ मत करो, आपको अगर स्विमिंग वुमिंग भी नहीं आती, पानी के अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, पर आप बैठ के यार मज़े ले सकते हो। जो दूसरे नहा रहे हैं उनको देखो, यानी कि बुरी नज़र से नहीं, पर मज़े लो बस सीनरी के। बहुत प्यारा नज़ारा है। और ये देखिए, मतलब वो मसाज वाले जो है उन्होंने बस छुआ, मतलब अपना बेस्ट टच दिया कन्विंस करने के लिए, और मिल्डा कन्विंस हो गई है। How is it?
Huh? Take one. Take holiday, one? Yes. Yeah? Very good price. Very good price? Yes. Good price is no price. What? A good price is no price. No price. We don't have to pay. Where are you coming from? Where are you coming from? China. Ah. How is it? Nice. Nice? Yes. Oh, the massage went good, yeah? I feel like I'm on LSD or on some morphine. I don't know. Whew, sheesh. I didn't expect it. And the best things are unexpected things. You know? True that. मिलता ने मसाज करवाया और मैं भी फंस गया उस चक्कर में, तो मैंने भी करवा लिया. पर यार मसाज अल्टीमेट था, यानी कि बिल्कुल वही लेवल जो आप मसाज सेंटर में मसूस के पास जाके करवाओगे वही. मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा, पर फिर तो बहुत सस्ता था. 50 यूरो पहले बोल रही थी, मिलता ने 25 का करवा लिया, तो 25 50 50 ठीक था, बढ़िया था. Oh, I miss Cheetos, finally. Your drinks, come on. No, you need vitamin. You need vitamin. I haven't tried. Pressure. तो अब हम निकल रहे हैं, खाना पीना हो गया और अब अंधेरा हो रहा है. तो आपको दिखाना था मतलब प्योर अंधेरा हो और उससे पहले थोड़ा उजाला, उसमें थोड़ी लाइटिंग बहुत खास लगेंगी, तो वो मुझे आपको दिखाना था. इसलिए अब हम निकल रहे हैं और अभी आप देख सकते हो माहौल पूरा ही चेंज हो गया है. मतलब पीछे ब्लू लाइट्स हैं इस रेस्टोरेंट में और यहाँ बैठ के आप शीशा भी मार सकते हो. शीशा लवर्स जो वीडियो देख रहे होंगे, तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है. बिल्कुल समंदर के सामने आप शीशा पी रहे हो बैठ के आराम से, ठंडी ठंडी हवा, यानी कि ज़्यादा गर्मी नहीं है. हाँ, टेम्परेचर आज 25 डिग्रीज था, तो सुबह गर्मी थी और ह्यूमिडिटी है क्योंकि हम समंदर के पास हैं. पर अभी बहुत ही मतलब मस्त माहौल हो गया है. हाँ, बिल्कुल वो ब्रीज़ नहीं चल रही होती क्योंकि हम समंदर के पास हैं, तो ब्रीज़ भी चल रही हैं, तो वो सुबह थोड़ा अजीब लगता है, पर रात में और शाम के वक्त वो बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है, तो इसलिए बहुत अमेजिंग है. अभी मैं आपको बाहर निकलते तो मैं दिखाता हूँ. तो रात में स्ट्रीट ऐसी दिखती है और ये स्ट्रीट कमायरा बीच और ये जो सारी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स हैं इनको जोड़ती है. स्ट्रीट का कोई खास नाम नहीं, मैंने पूछा, पर नहीं, आई थिंक इट्स दिस वे आई गेस. श्योर? तो दोस्तों ये स्ट्रीट थी जो आपने अभी देखी, रात में ऐसी दिखती है, बड़ी मस्त, और ऐसा लगता है वही लाजपत नगर आ गए. नहीं, थोड़ी और अच्छी दिखती है. और ये जो स्ट्रीट है वो कमायरा बीच को और ये जो पीछे दुकानें और रेस्टोरेंट्स हैं इनको या वी कैन गो इनको जोड़ती है. तो स्ट्रीट का कोई ऐसे खास नाम नहीं है, मैंने पूछा, पर ऐसे ही बस यही बोल रहे थे कि इन स्ट्रीट को जोड़ती है ये जो रेस्टोरेंट्स और वो है क्या कहते हैं बीच. और ये देखो यार, वो जो प्लेन आ रहा है सामने से, ऐसा लगता है चांद है. वो कैसे है, वो जो व्यू आ रहा है, वो रोशनी आ रही है, अमेजिंग यार, अमेजिंग. और वो जो दो आप देख रहे हो वो नाव है, तो लोग राइड ले रहे हैं रात में, क्या रोमांटिक माहौल है. रात में समंदर के पास आने का और रिलैक्स करने का मज़ा ही कुछ और है. ये जो आवाज़ आ रही है लहरों की,
यार ये इतनी रिलैक्सिंग होती है, ये आप यूट्यूब पे देखोगे ना वो दो दो तीन तीन घंटे की जो वीडियोस होती हैं रिलैक्सिंग म्यूज़िक, उसमें ये आवाज़ें होती हैं। इतना आराम है यार इसमें, यानी कि बस ऐसा अगर मन है कि बस यहीं पे ये बेड पकड़ लो सन बेड्स और लेट जाओ आराम से। पर अभी ड्राइव भी करना है तो थोड़ा हम यहाँ पे रिलैक्स करेंगे और फिर वापस घर जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब रिलैक्स करने का टाइम है, थोड़ा हम भी फील लें बिना कैमरा के। तो बस इतना ही, मिलते हैं कल अलग व्लॉग में, सांतोरिनी की सैर करते हैं। और आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, ये व्लॉग्स ऐसे ही आते रहेंगे मज़ेदार। जो लोग आ नहीं सकते उनके लिए है ये व्लॉग, और जो आ सकते हैं उनके लिए भी है इन्फॉर्मेशन वाइज कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं करना, और बाकी और भी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। मिलते हैं कल दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, मस्त रहिए, आबाद रहिए और खुश रहिए और सेहतमंद रहिए। आवाज़ सुनिए, बाय।